फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का फखर तो है ही, बहुत सारी खवातीन के लिए रोल मॉडल हैं और होना भी चाहिए, इसलिए कि हमें देखना चाहिए कि अनकन्वेंशनल, वेरी अनकन्वेंशनल। पहले तो ये बताओ सना, बच्चों के बाद तो यार खवातीन कहती हम जो मर्जी कर लें, एक तो पेट कम नहीं होता, कूले कम नहीं होते, वजन कम नहीं होता। तो आपने कितने बच्चे माशाल्लाह? बड़े वाला 8 ईयर का है, छोटा वाला 5 साल का है माशाल्लाह से, कल उसकी बर्थडे थी वो भी करके आई हूँ। अच्छा, ये आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा किया है कि औरतें समझती हैं कि शादी के बाद स्पेशली बच्चों के बाद उनका वजन कम नहीं हो सकता, ऐसा मैं भी सोचती थी, लेकिन मैंने इस एफर्ट को नहीं छोड़ा और ये सोचा कि जब आप कांस्टेंट किसी चीज़ के पीछे पॉजिटिवली लगते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आपकी एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं, वो जो आपकी डिफ़िकल्टीज होती हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाती हैं। तो दैट्स माय मैसेज टू ऑल द वुमेन के आपने ये चीज अपनी होप नहीं छोड़नी। सबसे पहले सर डिप्रेशन भी आता होगा, बहुत सारे दिन दिक्कत होगा, दिल नहीं आज नहीं जाना, इमोशन थक गई हूं, टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जो मोटिवेशन है मुझे कहाँ से आती है, आई मीन हाउ लाइक ऑलवेज बीन सो मोटिवेटेड एंड सिंस लॉन्ग टाइम टू टिल नाउ व्हाई। एक तो सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि कोई भी चीज करें, आइदर योर प्रोफेशन, आइदर योर थिंग, टेक इट सीरियस, उसको सीरियस लें। दूसरा, फाइंड अ पैशन आउट ऑफ दैट, पैशन होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अच्छा, मेरा क्या था, मुझे ऐसा लगता था कि इट वॉज नॉट माई मोटिव के ओ मैं अपने आप को कहीं से सेल्फ स्टीम मेरा खराब हो गया हो या मैं मुझे लगा हो कि ओहो मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, नो ऐसा नहीं था। बॉडी इमेज या बॉडी शेमिंग इज देयर, बॉडी शेमिंग इज देयर एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट I've been rejected several of time for my body shape roles media mein ji, I have been rejected for so many roles. Acha, to I mean ke moti hai, ha uski reason ye hai ki main because of my body shape to meri shape aur wo to ek apni jagah tha, but wo us cheez ne mujhe down nahi kiya, mujhe jo cheez thi that is every woman wants to gain and which is self confidence. Self confidence जो होता है वो बहुत जरूरी होता है और वो आपको आपकी पर्सनल लाइफ, आपका प्रोफेशन, आपकी कोई भी फील्ड में आप जहाँ जो भी हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कितना ताल्लुक है आपके पेरेंट्स के साथ, क्या फिट है? आपकी जिंदगी का ताल्लुक आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से है। आपका जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और होता है उसके हिसाब से यू डील योर लाइफ। एक्सरसाइज में या अपने इन चीजों में गुजरते हैं जो भी। अच्छा, मुझे बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, मेरे फैन पेज वाले मुझे बहुत सारे भेजते रहते हैं कि आप, मेरे पास सबसे टाइम नहीं होता, बट मोस्टली एक ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आज क्योंकि चैनल पर बैठी हूँ तो बहुत सारी लड़कियाँ खवातीन जो मुझे मैसेज करती रहती हैं उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि उनका मेन क्वेश्चन होता है कि प्लीज़ हमें कोई बताएं वेट लॉस का, वेट लॉस हम कैसे करें, और हम होप छोड़ चुके हैं, हम ख़त्म हो चुके हैं, हमें लग रहा है कि हमारी लाइफ एंड हो गई है। ऑनेस्टली ये सब चीज़ें मुझे भी लगती थी, आप कुछ अलग नहीं सोचती। आपको ये कब लगा कि भाई जिंदगी एंड हो गई है, बस खत्म? देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई ऑल, मतलब मैं ऐसी थी नहीं, बट ठीक है एक टाइम था व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग ऑन के मुझे लगा कि बस ये तो मेरा बैड टाइम है, एंड देन यू नो सर्वाइव कैसे करूंगी, यू नो अपनी पर्सनल लाइफ में बॉडी शेमिंग एंड पीपल द वे, आपको देखिए लोगों के अल्फाज भी नहीं होते, लोगों के लहजे होते हैं जो याद रहते हैं आपको। लफ्ज भूल जाती हूँ लेकिन लहजे याद रखते हैं, तो वो जो लहजे होते हैं वो आपको बताते हैं कि वे यू स्टैंडिंग एंड वी आई डोंट नो हम क्यों एक्सपेक्ट कर लेते हैं लोगों से। पहली चीज़ तो ये मैं आई वॉन्ट टू टेल के डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ सो स्ट्रॉन्ग कि आपको किसी की हस्बैंड भी अदर्स में डालेंगे कि अपनों में डालेंगे, सास को अदर्स में डालेंगे अपनों में डालेंगे, बहन भाइयों को अदर्स में डालेंगे अपनों में डालेंगे, क्योंकि यही रिश्ते बाजू का जो हमारे इस तरफ भी आती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट एनीबडीज हेल्प फॉर यू, लाइक यू नो जो आपके खास करके क्लोज होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि मैं जो खवातीन कहती हैं वेट लॉस नहीं हो सकता, ये सब कुछ मैं सोचती थी, लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर थी कि मैं बहुत डिटर्मिन्ड थी, मैं बहुत परसिस्टेंट थी, मैंने इस चीज़ को छोड़ा नहीं। मैं बहुत दफ़ा
जैसे कहते हैं ना, आप नहीं चल पा रहे होते और चलने की कोशिश करते हैं, जैसे हम बचपन में चलना सीख रहे होते हैं एंड देन आप गिरते हैं तो आप उठ जाते हैं. मगर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में दो चीजें बहुत आती हैं, एक ईगो, एक फियर. फियर गिरने का, ईगो ये कि कोई हंसना पड़े. यही चीज होती है सब खवातीन का. ये होता है कि मुझे कहेंगे बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, बड़ा क्या कर लोगी, मिस वर्ल्ड बनना है. ये मोस्टली ताने लड़कियों को मिलते हैं और मुझे पता है. मगर मैं ये कहती हूँ कि ये मत सोचें. ये अल्लाह पाक ने दो कान दिए ना, यहाँ से सुने, यहाँ से निकालें. ठीक है, डू वट एवर यू वॉन्ट. अच्छा, वजन कैसे कम होगा ये सारा कुछ करने से? वजन तो नहीं कम होगा ना, कुछ और यहीं से शुरू होगी, शुरुआत यहीं से होगी. शुरू ये पहला स्टेप है. पहले अपनी रूटीन बनाने से पहले मेक अप योर माइंड. ठीक है, अपना माइंड सेट चेंज करें कि एक इन वर्ड्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है. जैसे पिछले दिनों फिरदौस जमाल साहब का और मायरा का एक कॉन्ट्रोवर्शियल सीन हुआ था. वो क्यों था? वो इसलिए था कि चॉइस ऑफ वर्ड वर बैड. आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द सीनियर एक्टर्स, बट थोड़ा वर्ड हार्श नहीं होने चाहिए. आपने कहना भी है थोड़ा सा लाइटली, क्योंकि एटलीस्ट यू नो वी शुड रिस्पेक्ट एज अ वुमन, वी शुड रिस्पेक्ट एज अ कलीग. ठीक है, वी आर द सेम फ्रटर्निटी. ठीक है, सो व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बिकॉज चॉइस ऑफ वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट. और व्हाई आई एम सेइंग वर्ड्स आपके अपने लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप खुद के लिए भी जो वर्ड्स यूज करते हैं ना, उसका भी एक एनर्जी होती है. कि मैं कहूँ मुझसे नहीं हो सकता, मैं तो कभी नहीं कर सकती, मैं तो आई एम द लूजर, ये ना बोले. क्या कहते हैं आप गिर भी गए तो आप कहें आई कैन मेक इट, मैं कर सकती हूँ, मुझे मैं स्ट्रांग हूँ. ओके, हमने ये कह दिया मैं कर सकती हूँ, उसके बाद करना क्या? आए करना भी है, सिर्फ बोलते नहीं रहना. करना भी. अच्छा नहीं, वेट लॉस का जो है एक मेरे पास ये क्या चीजें रखवाई हैं आपने? अच्छा, एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि हेल्दी हैं और आप अपनी लाइफ में ना शामिल कर लें. उसकी वजह यह है कि हम लोग जब एक चीज फॉलो करते हैं तो दूसरी चीज हम भूल जाते हैं. हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम डाइट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते और हम भूखे रह रहे होते हैं. अब थोड़ी देर आपने फोकस करना है, क्योंकि सना हमें बताने जा रही है कि 4 हफ्तों में स्लिम एंड स्मार्ट नजर आए. बिल्कुल, 4 हफ्तों में स्लिम स्मार्ट नजर आए और उसके बाद मेंटेन करें. ठीक है, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल ठीक. सबसे पहले क्या करिए? अच्छा, ये स्मूदी, ये एक स्मूदी है जो कि जो लोग एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि उनकी एनर्जी लेस है, और वो क्योंकि मुझसे यही सवाल किया जाता है, तो मैं इसे बहुत अरसा लगा, बिकॉज मैं सिर्फ इस जर्नी में नहीं थी, बट आई वॉज इवन टीचिंग माई सेल्फ एज वेल कि आई वॉन्ट टू. पहली चीज़ है कि यू नो आप यू शुड बी वेल अवेयर. अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन मेक बेटर चॉइस. ठीक. एंड इफ यू कैन मेक बेटर चॉइस यू कैन एक्सपेक्ट बेटर. ठीक. तो बेटर रिजल्ट आपको पहले समझना चाहिए कि आप खा क्या रहे हैं और क्यों खा रहे हैं. Done. ये एक स्मूदी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने इन्वेंट की है. इन्वेंट की है? यस. वेरी गुड जी. और इन्वेंट की है. इसको कोई भी डाइट्रिशियन जो है वो चैलेंज मैं उनको कर सकती हूँ कि इट्स रियली कितना सना यूज करती हैं? कितना यूज करती हूँ? डेली डेली यूज करती हूँ, ऑलमोस्ट डेली. कहीं मैं आउटडोर हूँ यानी कि ट्रेवल में. ऑलमोस्ट डेली कितनी क्वांटिटी? ये मैं आपको बता रही हूँ ना. हाँ. अब पहले सारे ब्रेक लेनी है यार. ब्रेक लेनी है. ब्रेक. ओके, तो फिर ब्रेक के बाद आके नहीं, 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 स्मूदी पहले बताएंगे. स्मूदी बता के जाना ब्रेक में. भाई डिटेल तो अब यही तो बताना चाह रही हूँ कि पहले लोग समझे कि हम खा क्या रहे हैं. ठीक है, पता ही ना हो. अच्छा जी, ये बस पीना, इसे पतले होना है, बस तोड़ो और पी जाओ. ये कांच है, नहीं पी सकती, पहले समझो. ओके, ये एक स्मूदी है. अगर आप एक्सरसाइज करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी भी सही रहे और आपका फैट भी लॉस हो, तो आपने डेली जो है एक्सरसाइज से पहले जाने से पहले, अगर आप सुबह करते हैं एक्सरसाइज तो आप नाश्ता करें बगैर जाके एक्सरसाइज करें, तो पहले ये एक स्मूदी पी लेंगे तो आपको एक एनर्जी भी मिलेगी और साथ में आपको इससे वेट भी कट होगा. ठीक है, एक एप्पल. ठीक है, एक एप्पल आप इसको मैं बताती हूँ ऐसे काट लें. ठीक है, खुद बनाती हैं या ऑर्डर करती हैं? कभी ऑर्डर भी करती हूँ, कभी खुद भी बनाती हूँ. ओके, तो दोनों चीजें ऑप्शन है मेरे पास. ठीक है, तो कोई बात नहीं ना, कभी बंदा हेल्प भी नहीं लेता है. बिल्कुल. अच्छा, एक सेब और ये पालक है. ठीक. और कच्ची, ये कच्ची पालक. बिल्कुल. ठीक है, इसके आपने 4 बड़े पत्ते ले लेने. ठीक है, जरा साफ साफ ढूंढ रही हूँ ना. हाँ, अभी गंदे मंदे ला के दे दिए मुझे. पालक आजकल ऐसी आ रही है, ढूंढ ढांड के उसको. हाँ, निकाल ले. तो ये मेक श्योर के साफ हो, वरना वो रेत सी फील होती है. हाँ, वो नहीं, धोली में साफ सुथरी अच्छी तरह क्वालिटी की हो. ठीक है, ये 2 3
ये चार का कोई मिथ है? ये चार इसलिए कि क्वांटिटी ऑफ ओके ठीक है, एक सेब चार पालक के पत्ते, एक सेब और चार पालक के पत्ते, लेकिन इसको आप ये डंडियां काट लें ठीक है। मैं बहुत देसी तरीके से सिंपल बता रही हूँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ ठीक है, लेकिन ये वो है दैट यू नो आई यूज एवरी डे ठीक, अपनी शूट में भी ले जाती हूँ बना के। ये मेरे एक आइस बॉक्स होता है जिसमें मैं अक्सर फ्रूट्स वगैरह कुछ पानी अपना जूस वगैरह को रखती हूँ, तो ये मेरा जो होता है स्मूदी साथ होता है। कभी कभी मैं वर्कआउट के बाद यूज करती हूँ, ये आपके ऊपर है अगर आप पहले एनर्जी लेस फील करते हैं एक्सरसाइज से पहले और या बाद में। अच्छा पहले मैं इंग्रेडिएंट बता दूं, एक सेब, चार पत्ते पालक, थोड़ी सी मतलब इतनी आई गेस इतनी इतनी काफी है, दालचीनी, दालचीनी थोड़ी सी बिल्कुल ठीक है, और आपने और फ्लैक्स सीड चम्मच नहीं है, एक चम्मच फ्लैक्स सीड डालना है, चुटकी से डालने, चले मैं अंदाजन ना एक खाने का चम्मच ठीक है। अब ये बनाएंगे आप क्योंकि ये इसको दही में बनाना है, मैं हाँ वही बताती हूँ, पानी में बनाना है, नहीं पानी अपने बिल्कुल थोड़ा सा जैसे इतना सा यानी के एक औंस बनाना क्या मुश्किल है, और चार चम्मच दही इसको डालें, पानी भी चाहिए होगा जी मुझे, इस सारा कुछ इसमें डालेंगे हम हाँ, और बटन दबा देंगे हाँ, दुनिया का सबसे आसान काम है जो बटन पे होता है, थोड़ी सी फ्लेक्सीड एक चम्मच क्योंकि डालने होते हैं ना, और डालेंगे हाँ बस ठीक है, और मुझे चम्मच चाहिए होगा, प्लीज चम्मच दे दें मुझे, चम्मच दे दें, चार चम्मच इसमें दही डलेगी और थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा। ये टीम में मेरी सारे लड़के हैं, सो यू नो उन्हें ये नहीं पता कि दही डालने के लिए चम्मच भी चाहिए होता है, सुगर नहीं है ना, और थोड़ी सी होता है ना लड़कों के साथ, क्यों ये प्रॉब्लम होता है यार, उन्हें पता होना चाहिए उनको कि क्या है दही के साथ, जब लड़कियां लड़कों वाले काम सारे कर सकती है तो लड़कों को भी आने चाहिए, इस पे गालियां होनी चाहिए, अच्छा वैसे आप अपने लड़कों को सिखा रही हो, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, आप बिलीव करें कि मेरा बेटा 8 साल का है, मैं उसको जब भी स्कूल से आता है उसको कहती हूँ कि वो अपने जूते उतार के, मोजे उतार के अपने जो है लॉन्ड्री में डाले, जूते अपनी प्रॉपर जगह पे रखे,